अल्मोड़ा में बीते दिन बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साल 2022-23 के लिए 63,75,843 रुपए का बजट पेश किया गया, जिसे सदन की ओर से पारित किया गया। इस दौरान कई वार्ड सभासदों ने नगर से संबंधित कई मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी किया। वहीं इस बैठक में सदन ने मजदूरों का सत्यापन नगर पालिका परिषद में करवाए जाने के बाद ही पुलिस सत्यापन करवाए जाने की बात कही और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने और बाजार में बढ़ते हुए अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए इस पर एक्शन लेने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। वहीं बैठक में पालतू कुत्तों का लाइसेंस जल्द ही नगरपालिका से बनवाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बता दें कि बैठक के दौरान संस्था को दी गई एक दुकान निजी व्यक्ति को सौंपे जाने और क्षतिग्रस्त नालियों के रखरखाव के मुद्दे को लेकर पालिका के कुछ सभासदों ने बोर्ड मीटिंग में हंगामा भी किया। वहीं सभासदों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देने का आरोप लगाते हुए बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। देखिए, लगभग हर माह हमारी बोर्ड की बैठक होती है और आज जो है फिर हमारी बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें पिछले माह जो बैठक हुई है उसकी पुष्टि की जाती है। और इस बैठक में विशेष रूप से इस साल का जो बजट हमारे यहाँ तैयार किया गया है उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर माननीय सभासदों की राय ली जाएगी और उसके बाद उसको पारित किया जाएगा। तो मुख्य आज का इश्यू यही है, बाकी जो भी प्रस्ताव माननीय सभासदों के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे उस पर विचार विमर्श होगा और जिला योजना के लिए अवस्थापना के लिए जो भी प्रस्ताव होंगे उनको पारित कर उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।